कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टॉपिकल एजेंट्स। आप पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि आपके लिए चैप्टर नंबर 4 चल रहा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिकल एजेंट्स। यानी टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ढेर सारे। आप देखिए क्रीम है, शैम्पू है, लोशन है, ऑइंटमेंट है, जेल है, ये जो सारे आपको अलग अलग क्रीम दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्या होते हैं आप अपनी बॉडी में लगाते हैं। जैसे बोरोलिन, बोरो प्लस, वैसलीन, सेविंग क्रीम, शैम्पू, ऑयल, ये सब क्या है जो हम अपने स्किन के अपर लेयर पर, ऐसे कोई प्रोडक्ट जिसको हम अपने स्किन के अपर लेयर पे अप्लाई करते हैं दोस्तों, उसी को हम टॉपिकल एजेंट्स कहते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, तो टॉपिकल एजेंट्स क्या होता है डिफिनेशन समझेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट हम इस क्लास में जानेंगे उसके बारे में हम डिटेल में उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। हमें सिल्वर नाइट्रेट पढ़ना है, आयनिक सिल्वर, क्लोरॉक्सीडिन, ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। ये सिलेबस में हमको इतने सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि टॉपिकल एजेंट्स जो होते हैं दोस्तों, ये टॉपिकल एजेंट्स के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बताया कि इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसको डेफिनेश करेंगे कि दोज केमिकल एजेंट्स, दोज फार्मास्यूटिकल केमिकल एजेंट्स विच आर अप्लाइड ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द स्किन फॉर क्लीनिंग, ब्यूटिफाइंग एंड प्रिवेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स को बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, प्रोटेक्टिव, एंटीमाइक्रोबियल और एस्ट्रिजेंट। ये तीनों का अलग अलग काम है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टॉपिकल एजेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्रोटेक्टिव, जो हमारी स्किन को बचाए, जैसे कि आप लोग देखते हो स्क्रीन लगाते हैं आप लोग, सनस्क्रीन जो धूप से बचाता है, काले होने से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट से बचाता है। इसके साथ साथ कुछ फेस डस्टिंग पाउडर आप लगाते हैं जो आपकी बॉडी को धूल से बचाता है, वो प्रोटेक्टिव टॉपिकल एजेंट्स होते हैं। एंटीमाइक्रोबियल, अगर हमारे शरीर में कहीं दाने हैं, फोड़े पुरसी है, खुजली है, बर्न है, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे हम ऑइंटमेंट या क्रीम लगाते हैं, ये एंटीमाइक्रोबियल टॉपिकल एजेंट्स में आते हैं। और एस्ट्रिंजेंट, जैसे आप देखते हैं कि आप सेवलॉन वगैरह यूज करते हैं, कहीं पे आपको कट गया, खून बह रहा है, तो वहां पे आप कुछ लगा के खून को बहने से रोकने के लिए फिटकरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोशन आते हैं, क्रीम्स आते हैं जिसको हम एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। यानी फंक्शन के बेसिस पे टॉपिकल एजेंट जो होते हैं वो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन जान लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉपिकल एजेंट। द टॉपिकल मींस प्रिटेंडिंग टू द पर्टिकुलर लोकैलिटी ऑफ अ प्लेस ऑफ, सिंपली इट मींस लोकल सब्सटेंस व्हिच आर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बाय अदर्स। जो हमारे शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन में या हमारे शरीर के किसी भी लोकल सरफेस एरिया में जो हम यूज करते हैं कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी क्रीम, ठीक है, स्किन के अपर रीजन में, उसी को हम टॉपिकल एजेंट्स कहते हैं। प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट्स क्या होते हैं, इसके अलग डेफिनेशन है। हमारे स्किन में, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, इनके टॉक्सिन से बचाने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उसे हम प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट्स कहते हैं। ये समझ आपको स्क्रीन में रहेंगे, और ये मोहतरमा आप देख रहे हैं, इन्होंने क्रीम लगा रही है तो इनको आप देखिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। हम लोग अब इसमें पहले कंपाउंड की बात करेंगे, पहले कंपाउंड के डेफिनेशन बाद। पहले कंपाउंड हमारा है टार्क। टार्क को देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा, राइट अस ब्रीफ शॉर्ट नोट ऑन टार्क, और टार्क पे आपको एग्जाम टॉपिक लिखना होगा। तो दोस्तों ये टार्क जो है इसका, इसको हम लोग टेलकम या फ्रेंच चाक या प्यूरिफाइड टार्क के नाम से क्वेश्चन पूछेगा, इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉल आ रहा था, वेरी सॉरी, उसके लिए डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला होता है 3MgO3 4SiO2H2O, this is a magnesium silicate, basically ये magnesium silicate होता है। इसकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं, इसको स्टोर कैसे करते हैं, हमेशा ये इनर्ट सब्सटेंस होता है, इसलिए कभी भी एसिड या बेस से कोई रिएक्शन नहीं करता, ये सबसे बेस्ट होता है, इसको कंटेनर में रखा जाता है। प्योरिटी की बात कर ले तो एसिडिटी और अल्कलाइन नेचर होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, एसिड सॉल्यूशन सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इसमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सब एग्जाम में आपसे पूछेगा शॉर्ट में, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया है, आप इसको इसी तरह से ब्रीफ करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसकी यूज क्या है, तो ये फार्मास्यूटिकल एड की तरह इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी चीज को बनाने में इसको एड करते हैं। डस्टिंग पाउडर की तरह इसका इस्तेमाल होता है, ये फिल्टरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मीडियम की तरह काम करता है एरोमेटिक वाटर्स में, और ये किसी भी टेलकम पाउडर और डस्टिंग पाउडर का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है। जब भी आप घरों में टेलकम पाउडर यूज करते, डस्टिंग पाउडर, उसमें टाक का होना जरूरी है, इसलिए इसका नाम टेलकम है। टेलकम पाउडर जो है वो टाक से ही मिलकर बना है। दूसरे कंपाउंड की हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरा कंपाउंड आपके सामने खूब बड़ा सुंदर से दिख रहा है आपको, दिस इज द जिंक ऑक्साइड। इसको जिंक ऑक्साइड फॉर्मूला होता है ZnO, ये भी छोटा सा कंपाउंड है, इसमें भी शॉर्ट नोट पूछेगा, तो बस फॉर्मूला ZnO।
ठीक है, बाकी इसका प्रिपरेशन कैसे इसको बनाते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड को हमेशा एक बड़े से फैक्ट्री में इसको बनाते हैं, जिंक लेते हैं, जिंक मेटल होता है, उस जिंक मेटल को एयर के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं या हवा के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब भी जिंक को खुले में रखते हैं वो एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर इस तरह का सफेद रंग का पाउडर बनाता है, इसको हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो इसको हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको हमेशा बंद ढक्कन में क्लोज करके रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। जिंक ऑक्साइड जो पेस्ट होते हैं, जिंक ऑक्साइड करीब उसमें कैसे बनाते हैं, उसमें 250 ग्राम जिंक ऑक्साइड, 250 ग्राम स्टार्च पाउडर और व्हाइट सॉल्ट पैराफिन 500 ग्राम को मिला करके जिंक ऑक्साइड का पेस्ट बनाया जाता है, जो कि हमारे लिए ऑइंटमेंट की तरह बिकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रोडक्ट हमारा है, इसका हम जिंक ऑक्साइड का कुछ मेडिसिनल यूज समझ लेते हैं, क्या क्या काम है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड बेसिकली एस्ट्रिंजेंट टॉपिकल है, प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह, जिंक ऑक्साइड माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह, एस्ट्रिंजेंट की तरह, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट और डस्टिंग पाउडर की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक्जिमा रिंगवॉर्म सोरोसिस से बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके जिंक ऑक्साइड का, तो ये इसको प्लास्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसका फॉर्मूला है जिंक ZN। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं नए कंपाउंड का, जिसका नाम है मेडिसिनल यूज देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जाने के बाद पूछा गया, इसलिए थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है, डस्टिंग पाउडर है, एस्ट्रिंजेंट है, ठीक है, इसके साथ साथ स्किन कंडीशन के बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैलामाइन, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट है। कैलामाइन ये भी एक टॉपिकल एजेंट है, आपने इसको लैब में बनाया होगा। कैलामाइन जो है बीपी, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, बेसिकली ये जिंक कार्बोनेट होता है और इस पे कुछ कलर फेरिक ऑक्साइड डाल के इसको कलरफुल किया जाता है, इसका कलर हल्का सा पिंक होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड डाले जाते हैं। कैलामाइन जो होता है इसमें फेरिक ऑक्साइड के साथ होने के कारण इसका कलर पिंक होता है, ये एमॉर्फस है, रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। कलर जो है वो उसके डिपेंड करता है कितना ज्यादा फेरिक ऑक्साइड मिला है, फेरिक ऑक्साइड ज्यादा होगा तो कलर ज्यादा इसका थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होगा, कम है तो कम रेडिश ब्राउन होगा। ठीक है, और इसमें इसका जो है इसमें बेसिकली ये इनसॉल्युबल होता है मिनरल सारे, बहुत सारे मिनरल एसिड में ये इनसॉल्युबल होता है, ये इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे बात करते हैं कैलामाइन के बारे में दोस्तों। तो कैलामाइन जो है बहुत सारे लोगों के साथ चीजों के साथ एडल्ट्रेशन होता है, इसको मिलाया जाता है जैसे डाई में, वाटर सोल्यूशन टेस्ट में, ये सब इसको मिक्स किया जाता है। इसका यूज क्या है, इसका मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल यूज क्या है, ये प्रोटेक्टिव है लोशन में, सूदिंग एजेंट में, सनबर्न, एक्जिमा, एटिपेरियसिस, बहुत सारी स्किन की क्रीम में और कॉस्मेटिक आइटम्स में इसको बनाया जाता है, ऑइंटमेंट और डस्टिंग पाउडर में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एस्ट्रिंजेंट, मैंने कहा प्रोटेक्टिव तीन प्रकार होते हैं, हम दूसरे की बात करेंगे एस्ट्रिंजेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट। देखिए मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी को बचाए, जो किसी भाई आपको कहीं जल गए, आपको फोड़े फुंसी हो गए, अगर वो घाव खुला रहेगा तो आपने बैक्टीरिया ग्रो करेगा और फुड़िया पकेगी, मवाद बहेगा, जैसे कि आप देखेंगे गांव में होता है बच्चों अक्सर फोड़ी फुंसी पकी रहती है, तो वो क्रीम अगर हम लगाते हैं एंटी माइक्रोबियल क्रीम तो वो फोड़े फुंसी को सुखाएगा और आपको बीमार होने से बचाए। तो एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करे वो एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट क्या है, सेम काम जो एंटीसेप्टिक करता है लेकिन वो नॉन लिविंग सरफेस पे, जैसे कि आप घरों में झाड़ू पोछा लगाते हैं, बाथरूम में, सेल्फ में, अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करते हैं तो उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जर्बिसाइड जो फंगी वायरस स्पोर्स को किल करता है। बैक्टीरियोस्टेटिक जो उनके ग्रोथ को रोकता है। और स्टरिलाइजेशन क्या है, जो पूरी तरह से इनको किल करने का प्रोसेस है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन कौन से, इसका यूज क्या है, जैसे कि 1% सोल्यूशन जो होता है, जब भी कभी बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों को धुलने के लिए हम लोग प्रोफाइलेटिक मेजरमेंट के लिए, ऑप्थेल्मिया बीमारियों के लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के ऑर्गेनिज्म के लिए, और इस तरह की कई तरह के हम बर्न के केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन कैसे कैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टीरिया वायरस को किल करते हैं, तो दो तरीका है, एक हैलोजन पहला होता है, रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बैक्टीरिया के सेल्फ ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दूसरा हैलोजिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे हैलोजन मॉलिक्यूल आकर जुड़ते हैं, और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ये बैक्टीरिया वायरस के प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं ताकि उनकी मृत्यु हो जाती है। तीन तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बारी बारी से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन बात कर लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का क्लासिफिकेशन, अगर वो हैलोजन बेस्ड कंपाउंड है, एग्जाम्पल क्लोरिनेटेड लाइम, क्लोरामीन बी, क्लोरहेक्सीडीन और आयोडोडीन, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो हाइड्रोजन पराक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, एसिड्स हैं तो बोरिक एसिड, फिनॉल डेरिवेटिव है तो फिनॉल, क्रिसोल जो आप डेटॉल वगैरह यूज करते हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल डेरिवेटिव है तो फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, मेटेलिक सॉल्ट है तो सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट,
डाइस और टिनिट्स हैं तो ब्रिलियंट ग्रीन, मिथाइलिन ब्लू, और डिटर्जेंट्स हैं तो डेका, मेथॉक्सोनियम और सोप्स। ये सारे एग्जाम्पल है एंटी माइक्रोबियल के। कुछ एग्जाम्पल को हम अपने सिलेबस हिसाब से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन पराक्साइड। तो पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 2+ O2 16+32, यानी हम कह सकते हैं कि 64 इसका मेटल होता है, वो मॉलिक्यूल वेट होता है। कैसे बनाते हैं इसको, बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। बेरियम ऑक्साइड लीजिए BaO2 H2O और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए H2SO4। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है। फिर आपका बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हाइड्रोजन पराक्साइड वहां से प्राप्त होता है। इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड से ही हाइड्रोजन परऑक्साइड करके बाहर निकलता है। आप ये बोतल देख रहे हैं, ये बोतल मार्केट में मिलता है आपको, बहुत सस्ता है, थोड़े पुलसी घाव धुलने के लिए ये काम में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम क्या। मैंने कहा कि जितने भी घाव है, चोट, फोड़े, फुंसी, इनको धुलने के लिए, तो इट इज द जर्मिसाइड होता है। ये वॉशिंग वॉर्म्स, टीथ और ईयर्स को धुलने के लिए काम आता है। ये फेनाइड्रोल के नाम से बिकता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम पेरोक्लोराइड, सोडियम पर कार्बोनेट के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये एंटी क्लोर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला हमारा कंपाउंड है एंटीमाइक्रोबियल में, दिस इज जिंक परऑक्साइड ZnO2। ओके, तो ZnO2 दोस्तों क्या होता है कि इस तरह के एक ऑर्डरलेस व्हाइट या येलोइश सॉलिड होते हैं, ये ठोस फॉर्म में मिलते हैं। जो ये इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका है कि जिंक ऑक्साइड को जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। जब इसको हम दोस्तों मिलाते हैं, तो इसको मिलाने के बाद क्या होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस के बाद इस तरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही स्टेबल होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन H2O2 में ये सॉल्युबल होता है। और अगर 150 डिग्री सेल्सियस इसको ऊपर गर्म करते हैं, तो ये डिकम्पोज यानी खराब हो जाता है। आगे इसके स्टोरेज की बात कर लें, इसको हमेशा ऑक्सीडाइजर के साथ कूल प्लेस में और लाइट से दूर रखा जाता है। ठीक है, और ये इनकम्पैटिबल मटेरियल्स जो है उससे थोड़ा सा दूर रखते हैं। इसका यूज क्या है, जिंक परऑक्साइड का एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, टॉपिकल प्रिपरेशन और एडिटिव तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये इसका इस्तेमाल सर्जिकल एंटीसेप्टिक किया है। बस एग्जाम में आपको ऐसे ही पॉइंट लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, बहुत डिटेल आपको कुछ और नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, हमने जिंक ऑक्साइड देख लिया, अब हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज KMnO4। ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है, क्यूबिक एजेंट की तरह काम करता है। ये एक ब्राउन, बहुत येलो ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसको वाटर डालते हैं तो ये इस तरह का कुछ सोल्यूशन बनता है। आपके सामने देखिए स्क्रीन पर, ये सोल्यूशन कलर दिख रहा है, ये जो सोल्यूशन का कलर है ये ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली इसमें पोटेशियम आयन और मैंगनीज आयन, मैग्नेट आयन होते हैं, इसलिए इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसको कैंडीज क्रिस्टल भी कहा जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको टेस्ट करने के लिए इसमें क्लोराइड और सल्फेट के साथ इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसमें क्लोराइड और सल्फेट की इंप्योरिटीज मिलती है। वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल है इसके, ठीक है, मैटर होता है सोल्यूशन का। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। इसको स्टोर हमेशा कैसे करते हैं, इसको हमेशा ऑक्सीडाइजिंग, जो कंपाउंड जल्दी ऑक्सीडाइज होता है उससे दूर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं। ये एक एंटी ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका यूज ये एज एन ऑक्सीडेंट एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। पर मैग्नेट को वॉश करते हैं बेसिकली, जब कोई इन्फेक्शन होता है गोनोरिया वगैरह के, कैंडिडाइटिस के, या स्ट्रैकनिन के एंटीडॉट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके स्टोरेज का। इसको स्टोर कहाँ कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, तो इसको हमेशा डार्क, बहुत अंबर कलर की जो बोतल होती है ना, ब्राउन कलर की बोतल, उस बोतल पे इसको रखते हैं, क्योंकि ये लाइट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, सोडियम आयोडाइड लीजिए, डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड लीजिए, इन सबको मिला दीजिए। आपके सामने आयोडीन अलग हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट अलग हो जाएगा, और मैग्नीशियम सल्फेट भी वहाँ पे अलग हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं आयोडीन की। ठीक है दोस्तों, तो आयोडीन भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड है, हम आयोडीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आयोडीन में थोड़ी सी और हम बात कर ले, तो आयोडीन को हमेशा जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं, ठीक है, आयोडीन के स्टोरेज बात किया, अब थोड़ा इसके स्टोरेज की बात कर लेते हैं आयोडीन के। तो आयोडीन का स्टोरेज जो है, क्योंकि ये आयोडीन, एक सेकेंड थोड़ा सा, जो ये आयोडीन का जो स्टोरेज है दोस्तों, हम इसको वोलेटाइल नेचर का होता है, बहुत तेजी से उड़ जाता है, इसलिए इसको हमेशा कांच की बंद बोतल में रखते हैं। टेम्परेचर जिस कमरे का 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है, इसको वहां पे बिल्कुल नहीं रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और इसके सोल्यूशन को, एल्कोहल में सोल्यूशन को टिंक्चर ऑफ आयोडीन दिया जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। पोविडॉन आयोडीन क्या है, जब आयोडीन को पोविडॉन आयोडीन के साथ मिक्स करके पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं, तो उसको पोविडॉन आयोडीन कहते हैं। ये बीटाडीन के नाम से बहुत ही फेमस सोल्यूशन है।
बीटाडीन ऑइंटमेंट, बीटाडीन गार्गल, बीटाडीन लोशन के नाम से दिखता है, फोड़े तुलसी को धुलने में बहुत काम आता है, अस्पतालों में आपको बीटाडीन अक्सर दिखेगा। हम बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की, जैसे कि एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, खून को बहने से रोकता है, ब्लीडिंग को रोकता है, जैसे एग्जांपल है फिटकेट, और ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी होता है जो ब्लड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, और इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस के प्रोटीन को भी प्रेसिपिटेट करता है। इसका यूज क्या है, ये ब्लड को रोक बहने से रोकता है, अरेस्ट माइनर ब्लीडिंग, जहां पे हल्का फुल्का खून बह रहा है वहां पे फिटकरी लगाइए रुक जाता है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन्स के स्किन में प्रेसिपिटेशन को रोकता है, एंटी इंफ्लेमेटरी असर होता है, हाई कंसेंट्रेशन में ये अनवांटेड टिश्यू ग्रोथ को रोक देता है, डायरिया को कम करता है, इसके साथ साथ ये स्किन टोन और हाइड्रेटिंग इफेक्ट के काम करता है, फिटकरी लगाता है शेविंग के बाद ताकि चेहरा बहुत खिला हुआ रहे, सेल परमेबिलिटी को भी रोकता है, इसे कुछ काम है। ठीक है दोस्तों, इसे कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। इसका पहला कंपाउंड हमारे सामने है एल्युमिनियम कंपाउंड। ठीक है, तो हम एल्युमिनियम कंपाउंड की बात करेंगे, एल्युमिनियम को एलम, एलम यानी फिटकरी, यहाँ पे पूरी पूरी बात करेंगे फिटकरी को, इसको एलम कहते हैं, इसका उसको पोटास एलम भी कहते हैं, फॉर्मूला होता है K2SO4 Na2SO4 24H2O। ठीक है, यहाँ पे इसका तीनों का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हम लोग इसको एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट पोटास एलम या पोटेशियम एलम के नाम से जानते हैं। इसका यूज फिटकरी का यूज आप जानते हैं दोस्तों, इसका लार्ज डोज में ये इरिटेटिव एनकियस जम निकोसिस देता है, हेमरेज रिएक्शन यानी कि ब्लड जो खून बह रहा है उसको रोकने में मदद करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, घाव में इसको लगाया जाता है ये। ठीक है, एज अ मॉडरेट इन डाई इंडस्ट्री में इसको मॉडरेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, डाई के साथ मिलाकर ये अलग अलग कलर को स्टेन करता है। ठीक है दोस्तों, ये फिटकरी की बात हो गई, हम बात करेंगे अगला फिटकरी के बाद हमारा अगला कंपाउंड है जिंक सल्फेट ZnSO4, ये भी एक तरह का हमारा कंपाउंड है एस्ट्रिंजेंट की तरह, ये बेसिकली हाइड्रो हेप्टाहाइड्रेट हेक्साहाइड्रेट और मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलता है। जैसे फॉर्मूला है ZnSO4 7H2O, ये हेप्टाहाइड्रेट है, 6H2O हेक्साहाइड्रेट और सिंगल H2O मोनोहाइड्रेट, तीन फॉर्म में मिलते हैं। इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, जिंक लीजिए जिंक सल्फेट, उसको ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन कराइए बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फाइड का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन से, या जिंक मेटल का रिएक्शन कराइए सल्फ्यूरिक एसिड से, और जहां पे जिंक सल्फेट आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट की, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, ऑर्डरलेस होता है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर है, और इनसॉल्युबल होता है इथेनॉल में। आगे बात करते हैं यूज में, ये स्किन कंडीशन के लिए, जैसे केराटोसिस है, वायरल इन्फेक्शन है, उस केसेस में इस्तेमाल करते हैं, कहीं अगल बगल घाव हो जाते हैं जो जेनिटल्स के पास, उसको धोने के काम आते हैं, इसके स्किन रैशेस को दूर करते हैं, और जिंक की डिफिशियंसी केस में इसको सप्लीमेंट के तौर पर भी दिया जाता है। अब बात करें कुछ और एजेंट, जैसे कि प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एंटीमाइक्रोबियल जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, उसका एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट, जब भी कोई आपको जलते हैं बर्न होती है वहां पे सिल्वर एक्स क्रीम देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट स्किन के लिए बहुत अच्छा क्रीम है, जो किसी भी तरह के जले निगटे के निशान के लिए, फोड़े फुंसी के दाग को दूर करने के लिए ठीक होता है, हमला होता है सिल्वर SGNO3, और टेस्ट कैसे करते हैं, क्लैरिटी ऑफ वाटर, एसिडिटी, अल्कलिनिटी, फॉरेन टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। स्टोरेज की बात कर ले तो सिल्वर नाइट्रेट जो होते हैं वो हमेशा लाइट से खराब हो जाता है, इसलिए इसको हम कंटेनर में रखते हैं अंबर कलर की बोतल में, लाइट से दूर रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। इसका यूज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, एंटीबायोटिक्स तरह काम करता है। ये सोल्यूशन जो सिल्वर नाइट्रेट का है, इसको हम न्यू बॉर्न बेबीज के आंखों में डालते हैं, जो अगर उसको गोनोरिया वगैरह कोई दिक्कत हो रहा है तो अगर मां से उसको ये मिला है। इसका यूज एंटीसेप्टिक है, या किसी भी जले कटे में बहुत खास असर है, सिल्वर एक्स क्रीम बहुत खास है, अगर किसी को जल गया है इस क्रीम को लगाने से जला हुआ भी ठीक होगा और इसका दाग भी कहीं नहीं पड़ेगा। तो जलने में ड्रेसिंग में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आई वॉश के लिए भी इसका सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, बोरिक एसिड के साथ इसको मिला के वेजाइनल के वॉशिंग में काम करते हैं, और कील मुहासे के ट्रीटमेंट में भी एक्ने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हम लोगों ने खत्म कर लिया यहाँ पे आज एक टॉपिक है जो कि था हमारा टॉपिकल एजेंट। अब इसके बाद हम मिलेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में और इस चैप्टर का आगे कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर्स में आपको मैं जो ले रहा हूँ ये समझाने वाले नहीं है, सिर्फ नोट्स बनाने वाले हैं। आप एज इट इज इसको लिखिए और नोट्स बनाइए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं, केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ी जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली।